आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, रिफंड को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है सर, वो हम लोगों की समझ में तो आ नहीं रहा, इसलिए आज हमने अपने चैनल पर बुलाया है एडवोकेट कशिश गुप्ता जी को कि जिससे कि सर आप उसे क्लियर करें। सर होता क्या है कि लेट सपोज करो मेरा एक क्लाइंट है जो एक्सपोर्ट में भी डील करता है और डोमेस्टिक सप्लाई में भी डील करता है, तो जब वो फॉर्मूले के हिसाब से रिफंड क्लेम करता है, ठीक है ना भाई, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और मैं फिर उस ITC का रिफंड ले रहा हूँ, तो जब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा रिफंड कम बनता है। तो क्लाइंट्स कई बार हमें कहता है भाई साहब नहीं, ये मेरा ITC एक्सपोर्ट के लिए था तो मेरा इतना रिफंड बनना चाहिए। तो इस वाले केस को कैसे डील करें, क्या जो रूल में फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या हमें उसे मानना जरूरी ही है, या अगर हमने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट अपने मेंटेन करें हैं एक्सपोर्ट के लिए, सेपरेट करें डोमेस्टिक सेल के लिए, और हम बता रहे हैं कि भाई ये हमारा ITC इतना एक्सपोर्ट में है इतना डोमेस्टिक सेल में है, तो हम उसकी कैलकुलेशंस को कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पे वापस बुलाने के लिए, और जो आज का आपने टॉपिक छेड़ा है ये इतना टेक्निकल टॉपिक है और थोड़े समय में बताना, थोड़े शब्दों में बताना, मैं कोशिश कर सकता हूँ एक छोटी सी। तो सबसे पहले आपने जो मुझसे पूछा कि क्लाइंट आपका कह रहा है कि मेरा रिफंड कम बन रहा है जी, तो देखिए ये एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, एक लॉ में स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है, तो ये इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, अब होता क्या कि हम भी कुछ रिफंड्स फाइल करते हैं। ओके, अभी मैं आपके इश्यू से थोड़ा हट के बता रहा हूँ ताकि यूजर्स जो हैं हमारे साथ हमारे टेम्पो से समझ सकें चीज़ों को। बिल्कुल, अभी आप रिफंड फाइल करते हो ऐसे नेट ITC लिख लेते हैं, बिल्कुल, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ठीक है। पीरियड आप एक महीना भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, छः महीना भी ले सकते हो, वन ईयर भी ले सकते हो, अब तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, अब तो आप मोर टू ईयर भी कर सकते हो, मतलब ये पीरियड आप कुछ भी ले सकते हो। बिल्कुल ठीक। रिसेंटली हमने कुछ रिफंड फाइल किए, तो हमने वो डाटा काफ़ी हैवी था तो हमने दो महीने का फाइल किया, पहले एक महीने का किया फिर दो का किया, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि डाटा टेक्निकल था, तो मैंने कहा मंथ वाइज फाइलें बनाओ, ठीक है। तो उसमें आया कि नेट ITC है 100 रुपये, ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 50 रुपये, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है 110 रुपये, ठीक है। तो ये रिफंड बन गया, अभी हम कैलकुलेशन में आप एग्जैक्ट में मत जाना, मान लीजिए ये बन गया 55 रुपीज़, राइट। फिर ये है अप्रैल का महीना, फिर आया मई का महीना, इसमें टर्नओवर है 200 रुपये, ये है 60 रुपये का आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर और 150 रुपये की एडजस्टेड ITC जी। तो इसमें मैंने लिखा कि आपको रिफंड मिलना चाहिए था 80 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैंने किया 135 का रिफंड मुझे दे दो, ठीक। लेकिन ये तो मैंने कर लिया मैनुअली लेटर को ड्राफ्ट, ठीक है। पोर्टल पे आप क्या डालेंगे, पोर्टल पे आप डालोगे 300, 110 और 260, आंसर हो सकता है आ जाए 130 या आ जाए 140। मैं पहले कह रहा हूँ कि हमने, अभी इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स लिखी हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, लोग ऐसे हिसाब किताब लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे है आपका एक एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट कि इंडिविजुअल मंथ में ये एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है, एवरेज आउट करके आपका रिफंड का पैसा बता देगा। जब आप एक से ज़्यादा पीरियड कंबाइन करते हो ना, तो ये एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो रहा है वेटेड एवरेज में, ठीक है। समझते हैं आप वेटेड एवरेज? हाँ थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था। अब आप याद करिए कॉस्ट में पढ़ा था वेटेड एवरेज की, एक मंथ में ITC बहुत कम है लेकिन रिफंडेबल टर्नओवर की परसेंटेज ज़्यादा है, दूसरे मंथ में ITC खूब ज़्यादा है लेकिन रिफंडेबल टर्नओवर की परसेंटेज कम है, तो इंडिविजुअली तो रिजल्ट अलग अलग दे रहे हैं, अलग कंबाइंड कर दोगे तो जिस मंथ में आपकी परचेज नहीं थी लेकिन सेल थी उसका फ़ायदा अगले महीने में भी मिल जाएगा जब परचेज ही नहीं थी लेकिन सिर्फ सेल थी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी हम रिफंड अप्लाई करें तो इकट्ठा करें, आप करके देखें शायद फॉर्मूले में, मतलब ये टोटल से तो फॉर्मूला डिफरेंट आएगा ही आएगा, ये गारंटीड है। अच्छा, अब वो ऊपर की तरफ आए नीचे की तरफ आए, तो मतलब जो भी बेनिफिट लगे वही कर ले, हर कोई कर रहा है। अच्छा ठीक है, हर कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी भी इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है किसी का तुक्का लग गया, वेटेड एवरेज में अमाउंट बढ़ गया तो आप रिफंड ज्यादा दिलवा दोगे। आपने मेरे से क्वेश्चन जो पूछा वो ये है कि मेरा क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैं एक्सपोर्ट की बुक्स तो बनाता हूँ अलग और डोमेस्टिक की बुक्स बनाता हूँ अलग, और इसमें मेरा आउटपुट टैक्स है नील, इनपुट टैक्स है 500 रुपये, डोमेस्टिक की बुक्स के अंदर मेरा इनपुट टैक्स है 500 रुपये, आउटपुट टैक्स है 450 रुपये या मान लो 550 रुपये,
तो मैंने यहाँ पे 50 का न्यूट्रलाइज आईटीसी रखा है और यहाँ पे मैंने 50 रुपये कैश में पे किया हुआ है, उसने ऐसे आपको बोला। लेकिन जब मैं फॉर्मूले में डालता हूँ तो मेरा रिफंड आता है 400 रुपये का। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला तो तब यूज करने जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रखे? बिल्कुल। और जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे और ऑफिसर को मैं प्रूफ कर सकता हूँ तो एज पर द एक्चुअल फॉर्मूला मुझे रिफंड मिलेगा बाईपासिंग द स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला गिवन इन द रूल्स। द आंसर इज यस। लेकिन ये बातें आपको लड़नी पड़ेंगी, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। बट दिस इज द लॉ रिफंड में। ऐसे में मैं आपको, अभी मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको साइटेशंस दे दूंगा। गुजरात हाईकोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजन आए हैं जहाँ पे ऑफिसर्स खुद कह रहे हैं कि हमें तो एडजुडिकेशन करनी है एज पर द एक्चुअल्स, और फिर हम रिफंड देंगे क्योंकि उसमें एसएससी का रिफंड ज्यादा आ रहा होगा। ओके। तो लेकिन ऑफिसर ने बोल दी, तो वी ऑलवेज से कि गवर्नमेंट कैन नॉट स्पीक इन टू वॉइसेस। हाँ, सही बात है। कि एट इन अ सिचुएशन वेयर इन द एज पर बुक्स रिफंड कम है तो वो बोलेंगे नहीं हम तो बुक्स से चलेंगे, और जहाँ एज पर बुक्स रिफंड ज्यादा तो बोलेंगे नहीं हम फॉर्मूला से चलेंगे। गवर्नमेंट कैन नॉट स्पीक इन टू वॉइसेस। ओके। तो गुजरात हाईकोर्ट, ओडिशा हाईकोर्ट के कुछ डिसीजन है जहाँ पे एडजुडिकेशन की बातें बोली गई हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा साइटेशंस अपने यूजर्स के बेनिफिट के लिए। अच्छा, तो ये तो लगभग वही हो गया, जैसे कि आपने अगर देखा हो तो वैल्यूएशन के अंदर होता है 1/3 वाला रियल एस्टेट में। हाँ, रियल एस्टेट में 1/3 वाला होता है, तो गवर्नमेंट कई बार कहती है कि भाई ठीक है 1/3 मत लगाओ जब आप एक्चुअल प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल, उसका भी डिसीजन आ गया है, उस पे भी डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप रिफंड की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपको ना खाली ये नहीं हुआ कि भाई रिफंड आना है लगा दो ऐसे, आपको ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई हमारा मंथ वाइज में ज़्यादा रिफंड बन रहा है, ठीक है, मंथ्स को क्लब करके रिफंड ज़्यादा बन रहा है, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि मतलब कि हमारी बुक्स अलग अलग है तो ज़्यादा बन रहा है, या दोनों बुक्स को इकट्ठा करके जब हम ITC निकाल रहे तो ज़्यादा बन रहा है तभी आप रिफंड अप्लाई करें। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सर GST के अंदर ना रिफंड जो है अपने आप में एक टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन भी नहीं, हम कहेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल जिसने कर लिया रिफंड्स के मैटर उनको इतना पता है। हाँ, अदरवाइज तो सबके लिए फॉर्मूला ही सर्व प्रधान है। हाँ, तो खाली ये नहीं कि रूल में फॉर्मूला लिखा है तो उससे आप आगे नहीं जा सकते। तो आप यहाँ पर ये गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट, उड़ीसा हाईकोर्ट की जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हम कशिश गुप्ता जी से लेकर वो आपको दे देंगे। बाकी आप ये कोर्स अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ाएंगे? हाँ नहीं, कोर्स में मैं इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं ऐसा करूंगा एक क्लास में ना आपको बुला लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा ये GST का कोर्स है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे भाई 20 क्लासें करानी है तो उसमें क्या करेंगे, एक क्लास में आपको बुला लेंगे कि भाई साहब ये सारी चीजें आप समझा दो, ठीक है ना। तो हम ऐसे स्पीकर्स को बुलाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, 65 घंटे का कोर्स होगा, सैटरडे संडे को होगा, ठीक है। तो मजे से इस कोर्स को कर सकते हो। कोर्स में हम सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाएंगे, हम प्रैक्टिकल बताएंगे आपको कि प्रैक्टिस कैसे चलेगी इस चैप्टर्स में, क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ी लेंगे। हाँ नहीं, थ्योरी जितनी जरूरी होगी उतनी थ्योरी कराएंगे, बाकी हम सारा प्रैक्टिकल कराएंगे आपको। तो आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और कशिश गुप्ता जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर, सर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हाईकोर्ट्स के वकील कितने बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम निकालकर हमारे स्टूडियो में और हमारे सब्सक्राइबर को ऐसा अनमोल ज्ञान दिया जो शायद मैं नहीं दे पाता, तो इसके लिए धन्यवाद। आप सब लोगों का धन्यवाद।